हेलो दोस्तों, नमस्कार। वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता था कि सर, हम घर बैठे कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैं इसी मैटर पे बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग के पास समय नहीं है आज के दिनों में, तो वो लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे कैसे अकाउंट ओपन कर सकें। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में, इस सारे डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आसानी से भी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक दी फाइनेंस इंडिया यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, तो आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें प्रमोट करें। और दोस्तों, आइए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम चलते हैं सर्च बार में। अगर दोस्तों आप स्मार्टफोन के माध्यम से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल को ओपन करना है और वहाँ पर गूगल सर्च में आपको चले जाना है और सर्च में जाकर आपको सर्च करना है कोटक बैंक। कोटक बैंक जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो इस तरीके का खुल के आएगा और फिर आप देख सकते हैं। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक वहाँ से खुल जाएगा। दोस्तों, इस तरीके का कोटक महिंद्रा बैंक का आपका लेआउट खुल जाएगा, आप देख सकते हैं सिंपली। और इसका मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का अपना लेआउट है। यहाँ पर सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट में चलना है, प्रोडक्ट में जाकर आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक मैंने 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में मैंने वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक आपको सुविधा मिल जाती है कि मेनी काइंड्स ऑफ, यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर खोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सेविंग अकाउंट है, जैसे 811 डिजिटल बैंक अकाउंट, जो इसके ये अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम देख सकते हैं। और देन यहाँ पर मैं बताऊँगा 811 ईडी डिजिटल बैंक अकाउंट, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अभी तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं कंपेयर नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको ये होता है कि प्लेटिनम चिप डेबिट कार्ड मिल जाता है आपको और प्ले फॉर इन स्टोर परचेज यूजिंग स्कैन पे आपको मिल जाता है और फ्री में आपको NFT RTGS MPS आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप चलते हैं इसको नेट न्यू टैब में और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस किस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप केवल आधार के डिटेल से। दोस्तों, केवल यहाँ पर देख सकते हैं अपने आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। देन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज मंथली बैलेंस से आप देख सकते हैं 10,000 रुपये है। और देन यहाँ पर अर्न आप 4% पर एनम के हिसाब से अपने सेविंग अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस है तो आप उस पर 4% के ब्याज भी आप कमा सकते हैं। फ्री में आपको ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे नेफ्ट हो जाएगा, RTGS IMPS आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर गेट प्लेटिनियम आपको चिप डेबिट कार्ड मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में, पर एनम आपका चार्ज कटेगा, इस बात को जरूर ध्यान दें। पे फॉर इन स्टोर परचेज, यानी किसी भी स्टोर पे जाके आप स्कैन और करके अपना सामान को बाई कर सकते हैं, इसमें आपको फैसिलिटी मिल जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें रजिस्टर करके। दोस्तों, IMPS में बता दी हूँ, फ्री में है, सब नेट बैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे आपको एप्लीकेशन में के माध्यम से अगर आप सामान को परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ है, मतलब छूट मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, एलिजिबिलिटी सबसे पहले कि जो इंडियन सिटीजन हो उनके लिए खुलेगा और उनका एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप चलूँगा फ्री एंड चार्ज में कितना कितना चार्ज है, तो दोस्तों उतना बताने की तो आवश्यकता नहीं है। डीपली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एवरेज मंथली बैलेंस आपको 10,000 रुपये मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 6% ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड MB मतलब चार्ज नहीं रखते हैं मेंटेनेंस चार्ज, तो आपका 6% चार्ज कटेगा जितना का आप नहीं रखते हैं। आपका फ्री मिल जाता है NFT चार्ज वगैरह, आप देख सकते हैं फ्री में है। और यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन एट ब्रांच CDM डिपोजिट उठो तो देख सकते हैं फ्री अप टू 4 ट्रांजेक्शन 2 लाख प्रति मंथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप देख सकते हैं कि कितना चार्ज वगैरह लगेगा, तो मैं ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं SI फेलियर आप देख सकते हैं, अगर आपका चेक वगैरह है जो आपको रिटर्न हो जाता है 200 रुपये आपका कटेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज है, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
यहाँ पर आपका क्लासिक डेबिट कार्ड, प्राइमरी वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं डिटेल से इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस अकाउंट को ओपन करने से पहले सारी जानकारी ले लें। दोस्तों अब मैं सिंपली चलूँगा यहाँ पर ऊपर में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि इस अगर अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ऊपर देख सकते हैं आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों हम चलते हैं अप्लाई नाउ पर, मैं सिंपली आपको क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना ओपन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। बट यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं ओपन ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इन 5 मिनट, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपना नाम को फिल कर देना है। आप अपना नाम फिल कीजिएगा, नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। और नीचे क्या करना है कि आपको ईमेल आईडी डाल देना है, और ईमेल आईडी के बाद आपको करना क्या है, आई एम पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं हूँ, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर इंडियन सिटीजन और टैक्स रेजिस्टेंस में आता हूँ, तो यहाँ पर ओपन आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर ओपन है, तो मेरा ओपन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिख देगा कि ऑलरेडी योर रजिस्टर्ड इन योर वेबसाइट। तो मैं फिर भी एक बार OTP में डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि ऑलरेडी इंटेड ओपनिंग, यहाँ पर देख सकते हैं मैं, यानी ऑलरेडी मेरा अकाउंट ओपन है। तो इसलिए तो इस तरीके से क्या करना है कि जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा हमारा आपका डिटेल्स पूछेगा। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका कोटक महिंद्रा का बैंक ऑलरेडी आपके पास कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको CRN नंबर मिल जाएगा। उस CRN के द्वारा लॉग इन करके अपना वेरिफिकेशन करके आप तुरंत 5 मिनट में अपना कोटक बैंक के माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।